प्रदेश के सोनभद्र में मात्र 300 रुपए को लेकर दो पक्षों में चली गोली। अभी हाल ही में सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक शख्स प्रवासियों को गाड़ियों में बैठाने के नाम पर धन उगाही कर रहा था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हुआ, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर अमल करते हुए जांच बैठाई और आज तुलिंज पुलिस स्टेशन ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो बताइए, एक मजदूरों को लुबाड़ने वाले शख्स को आपने गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला है? ये बात सही है, जो ट्रेन गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही थी, श्रमिक ट्रेन मजदूरों को लेके जाने वाली, उनका तो सरकार ने, प्रशासन ने बड़ा इंतजाम कर दिया है। टिकट का इंतजाम उनका हो चुका है, उनको डेस्टिनेशन से रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए सब इंतजाम हो चुका है। और ऐसे हालात में किसी को भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं होने के बाद भी कई लोग इसमें सामने आके वो उनकी मजबूरी का फायदा उठा के लूटने की कोशिश कर रहे थे। हम तुमको तुम्हारे गांव तक पहुंचा देंगे, इतना पैसा लगेगा, ऐसा बोल के उन्होंने कई लोगों ने इनको लूटने की कोशिश की है। इसी हिसाब से, इसी सिलसिले में हमारे पुलिस प्रोडक्शन में अपराध दर्ज किया गया है, 420 का मामला दर्ज किया गया है, उसमें एक शख्स को हमने पकड़ा है और आगे इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है इसके बारे में हमारी तफ्तीश चल रही है। सर, इसमें कोई राजकीय व्यक्ति भी है शामिल, ऐसा कहा जा रहा है, क्या पूरा मामला है? हमारे लिए जो इन्वॉल्व है वो चाहे किसी भी पार्टी का होगा, हमसे उससे भी अलग नहीं है। हमारी बात ऐसी है कि मतलब जिसने कुछ कांड किया है, ये गिरोह होगा या तो फिर कोई रैकेट होगा, उसका पर्दाफाश करना, और जो भी मतलब जिन्होंने ऐसे असहाय बेसहारा मजदूरों को भी छोड़ा नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, ये हमारी प्रायोरिटी है और इसी हिसाब से हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर, लोगों को क्या आह्वान करोगे? आह्वान बार बार हम कर चुके हैं, लोगों को भी मालूम है, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से हम बार बार उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप वहाँ पे ध्यान मत दो, तुम्हारी गाड़ी जो है उसका ऐलान हो जाएगा, उसके पहले तुमको मैसेज आ जाएगा, मैसेज आने के बाद में तुम वसे जाओगे, उधर से आपकी गांव जाने वाली ट्रेन आपको मिलेगी। लेकिन फिर भी कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ऐसी है कि जब शासन ने बोल दिया है कि आपका टिकट का इंतजाम हो चुका है, तो फिर भी किसी बीच में जो आते हैं, जिसको दलाल बोल जा सकता है, ऐसे लोगों के चपेट में आना ये अच्छा नहीं है। और मेरी यही रिक्वेस्ट रही कि हर किसी को, यात्रियों को, श्रमिकों को, मजदूरों को, कि किसी को भी एक पैसा ना दे, आपका नुकसान हो जाएगा और आपका कोई भी काम नहीं हो जाएगा। शासन के निर्देशों का पालन करें और ये ध्यान रखें कि आपका टिकट का इंतजाम हो चुका है, तो ऐसे हालात में और किसी को पैसा देने की आपको जरा भी जरूरत नहीं। देखिए, नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक खास रिपोर्ट।